हेलो फ्रेंड्स, अखिलेश पांडे शो 2.0 में आपको स्वागत है। दोस्तों, हम पवन किंग एक मराठी मूवी से सीन्स पे रिएक्शन दे रहे हैं, जबरदस्त सीन्स अब दे रहे हैं। दोस्तों, लास्ट में जो था कि एक छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा एक दिखने वाला जो उनका बीच में एक सोल्जर सिपाही है उसका, जिसका नाम शिवाई है, उनको वो लोग ट्राई करते हैं डबलगैंगर बना के कि कैसे कुछ उनको प्लान में यूज करेंगे, कैसे जो इसका आर्मी सिद्धि जौहर का कैसा धोखा देंगे और वहां से निकल पाएंगे, वैसा उनका प्लान चल रहा है। तो दोस्तों, हम वही सीन अभी देखने वाले हैं कि कैसे वो निकलते हैं वहां से, निकल पाते हैं नहीं निकल पाते हैं, क्या है इस सीन में हमको देखने मिलेंगे। तो देरी नहीं करते हैं, एक और जबरदस्त सीन पवन किंग मूवी से देखते और अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों। माझ्या जीवीचा जीव लगानो आज पौर्णिमा, पौर्णिमेला आपण चंद्र दर्शन घेतो, पण आज आभाळातल्या चंद्राला काळोख्या ढगांनी झाकलंय आणि स्वराज्याचा चंद्रमा सिद्धीच्या सैन्यानं कोंडलाय। त्याला मोकळं करण्यासाठी आज आपल्याला एक अत्यंत भयानक वाट चालायची। वाट बिकट आहे, पण त्या बिकट वाटेवर चालण्याचं भाग्य आपल्यासारख्या भाग्यवंतांनाच लाभत आणि अशाच भाग्यवंतांची नावं इतिहास अभिमानानं आपल्या कपाळावर मिरवतो। आपला घास घेण्यासाठी आपला वैरी तिथं काळ दाढा वासून खालून असुरी आनंदाला आपल्याकडे पाहतोय। त्याला हे माहित नाही की आम्ही मृत्यूच्या अकराळ विकराळ दाढा पाहून त्याला घाबरत नसतो। आम्ही त्या मोजून त्याच्याच कशात घालत असतो। हरे हरे भाई, पौर्णिमा के दिन फुल मून के दिन ही पूरा ऐसा प्लानिंग के होलो, लेकिन बारिश हो लहान तो डेय मोठा कस घेतो, पण माझं भाग्य किती बघता, माझ्या आई बापाची पुण्य आहे किती बघता। राज, हे तुमची कापड जेव्हा माझ्या अंगाला लागली ना, तवाच शिवा मिळाला। आता उरलाय ते तुमचा हात माये फकस्त। राज, तुमच्या ध्यानात येत नाही, पण मला स्वर्गाचं दर दिसतंय। हो, अजून काय पाहिजे माणसाला? लोक माणूस आयुष्यभर कसा कसा जगला ते सांगतात, पण माझ्या बाबतीत लोक सांगत्या केव शिवा साबिलंद, केव शिवाच्या राजाचं मरण मिळाला। मरुच्छान पे हजारो वर्ष जगेल महाराज। येतो
हा येळ दौडू नका. राजांची वागायची पद्धत. आम्ही तुमचा वेडा बघत बघत येत होतो तर वाटेत यांनी अडवलं आणि आता बतावणी करतायत की आम्ही पळून चाललो. ही गोष्ट अख्या आम्ही सहन करणार नाही. मराठा एक वेळ कटून मरल पण अपमान सहन करणार नाही. हमें माफ कर दीजिए राजा साहब. ठीक है, आप जैसे बुजुर्ग से हम माफी नहीं मंगवाना चाहते. कही बस एक छोटी सी बात, या तो हमें आप आदिलशाही में चाहिए नहीं तो हमारा मुल्क हमें वापस चाहिए. जोहर साहब हे सम घरा ना केव्हा घरावानी असत, जिथं त्याची ताकद असते तिथं त्याच्या पंजाची ओरखडे दिसतातच. आमच्या पंजाची ओरखडे तर आदिलशाही पाहिलेच, कारण या जंगलाचा वाघ शिवाजी राज आहे. हम मानते हैं कि आपकी हिम्मत बुलंद है, पर सियासत में सिर्फ हिम्मत रास नहीं आती, कुछ बातें सोच समझ कर करनी चाहिए. हमें जावली और प्रतापगढ़ चाहिए, बस चाहिए. शक्य नहीं. प्रतापगढ़ तुम्हारा दिला तर तुम्हें सापा सारखा विळका घालाल स्वराज्याला. वो कैप्टन से तो और सब तो जरूरी हो रहे हैं. टाइम नहीं है ना, जल्दी जल्दी जाना है. राजा साहब आप बहुत हटपन कर रहे हैं. हाँ
हट्टाला पेटतो त्यालाच मरहट्टा म्हणतात. अपने बारे में नहीं, कम से कम आपके आदमियों के बारे में सोचो. हम जानते हैं किले पर असर जल्द खत्म होने वाली है. सोचो, सोचो. बेचातच टाकलं तुम्ही आम्हाला. शिवाजी कहाँ है? तो क्या गुस्ता किया है फासल खान? जौहर साहब, शिवाजी किधर है? ये सामने बैठे हैं राजा साहब. शिवाजी ये शिवाजी नहीं है. फाजल खान, होश में तो हो? क्या बक रहे हो? नशा करके आ रहे हो? नहीं, और ये शिवाजी नहीं है. हमने देखा है उसे एक ही पल, और वो चेहरा हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते. ये शिवाजी नहीं है. सुन, यकीन कीजिए हम पर. ये क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूं हुजूर, ये शिवाजी नहीं है. नहीं अब्बा, हमने तो पालकी पकड़ी थी. अब पालकी में तो राजा ही होगा ना. ये हमेशा जरूरी नहीं होता. बहुत जलन होती है शिवाजी से. कैसे आदमी पाए हैं उसने? तुम्हें लगा तुम शिवाजी को बचा पाओगे? हम जानते थे कि वो भागेगा, विशालगढ़ की ओर भागेगा, लेकिन वो नहीं जानता कि हमारे सरदार घेरा लगाए बैठे हैं. यहां आता तो बच जाता, वहां भी बचेगा. करना तो नहीं है, काफी हो, मारना तो पड़ेगा. सिपाही लेकर जाओ. लेकिन मुझे शिवाजी चाहिए. अब माफी नहीं, आया तो जिंदा, वरना उसकी लाश हमारे सामने लेकर आओ. इस बार शिवाजी बच गया तो तुम सबकी लाश से बिछा दूंगा. शिवो, बहुत अच्छा एक्टिंग किया ये जो डॉपलगंज में जो शिवा है, बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया यार. वो उनका बीच में ये जो चिन्मय जी, उनका बीच में, और ये शिवा जो छत्रपति शिवाजी महाराज प्लस जो शिवा का जितना भी सीन था उनका, बहुत ही अच्छा अच्छा सीन था यार. जबरदस्त एक्टिंग की है. लाइक ये जो एक्टिंग किया वो एक लगता है ना कि वो एक किसी को आइडल मान रहा है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है पूरा. एंड ऐसा लग रहा है कि उसको ये एक फॉर्चुनेट सोच रहा है कि वो है कि उनके लिए कुछ यूज पे आ रहा है, काम पे आ जा रहा है. माने कि हिस्ट्री बोलेगा कि ये अगर मरा भी तो उनके लिए मरा बोलकर उसका नाम हमेशा रह जाएगा. एंड
अच्छा था वो जो उसका जो एक्सप्रेशन था, देखिए कितना वो अच्छा वाला एक्सप्रेशन था, वो जब वो पालकी में बैठता है और जो गाना बीजीएम चल रहा था क्या गजब था दोस्तों, गाना जो चल रहा था पूरा इमोशनल वाला बहुत ही अच्छा था, मजा आ गया पूरा वो प्लस। लेकिन एंड में भी अच्छा एक्टिंग किया पूरा यहाँ पे, वो पहले ट्राई किया शिवाजी ही छत्रपति शिवाजी जैसे बिहेव करने का, लेकिन वो देखा था फैजल खान एंड उसके बाद जो टोपी पगड़ी उतारता है पूरा देख के समझ गया कि वो जान गया उसका कि टाइम आ गया, पकड़ा गया, टाइम आ गया एंड अब और नहीं कर सकता। अच्छा तो मैं बोला मुझे वो सीन अभिमन्यु याद आ गया, जैसे महाभारत का अभिमन्यु, हाँ कि एक बच्चे को कैसे मारे मिलके सबको ही, वो एक तरह से ये चक्रव्यूह ही है ना कि वहां से छत्रपति शिवाजी को निकलना है वहां से और ये पहुंच गया, जैसे अर्जुन कहीं फंसा था तो अभिमन्यु गया वैसा ना, तो मजा आया दोस्तों। लेकिन बहुत ही अच्छा एक्टिंग सब देखने मिला, बहुत ही अच्छा जबरदस्त सीन देखने मिला है, लाइक बहुत ही इमोशनल मेरे को लग रहा है, अगर जो भी लोगों ने थिएटर में देखा होगा उनका पक्का उनको आंसू आ ही गया होगा ये सीन देख के, बहुत ही अच्छा था, गूज़बम्प वाला सीन था। तो ठीक है फिर दोस्तों, एक और सीन पावन खिंड का के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर।